एक छोटे से गांव में सखुबाई नाम की औरत रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी, किराए के घर में रहती थी। उसके पति को गुजरे 2 साल हो गए थे। उसे एक लड़का भी था, उसका नाम था राजेश। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। पति के गुजरने के बाद घर चलने की सारी जिम्मेदारी सखुबाई के कंधों पर आई थी। साथ में राजेश की पढ़ाई का बोझ भी था। सखुबाई हमेशा सोचती कि उसका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बने। सखुबाई जब काम करती तो राजेश भी उसके साथ जाता। सखुबाई लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती तो कहीं खाना बना देती तो राजेश बैठे बैठे लोगों के घर आए अखबार को बड़े ध्यान से पढ़ता। एक दिन जब राजेश अखबार पढ़ने लगा तो एक मालकिन ने बड़ी गुस्सित से कहा, अरे राजेश, अखबार पढ़ के क्या तू बड़ा अफसर बन जाएगा? इससे अच्छा तो माँ के काम में हाथ बटा, कम से कम उसे कुछ मदद तो हो जाएगी। इस पर राजेश बोला, मालकिन, मुझे बड़ा अफसर बनना है, कलेक्टर बनना है। हम किताबें नहीं ले सकते, इसलिए ज्यादा ज्ञान के लिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। मालकिन बोली, तुम और कलेक्टर शक्ल देखी आपने? और मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। सखुबाई को ये बात बहुत बुरी लगी और वो दोनों वहां से चले गए। फिर सखुबाई ने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू किया। वो अकेली ही 15-20 किलो की रोटियां बनाती थी। इसके लिए वो सुबह 3 बजे ही अपना काम शुरू कर देती थी। उसके साथ राजेश भी उठता था और माँ को मदद करके अपनी पढ़ाई करता था। एक दिन अचानक मकान मालिक उनके पास आए और बोले, क्या सखुबाई, तुम और तुम्हारा बेटा 3 बजे ही उठ जाते हो और ये लाइट जलाते हो? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तुम्हारी वजह से। एक तो बिल ज्यादा दिया करो या फिर कमरा खाली कर दो। और मकान मालिक गुस्से से वहां से चले गए। फिर राजेश ने लालटेन चलाई और पढ़ाई करने लगा। माँ भी उस प्रकाश में रोटियां करने लगी। ऐसे ही राजेश ने अगले कुछ साल जी लगाकर पढ़ाई की और क्लास में हमेशा अव्वल आने लगा। राजेश की लगन देखकर अगली पढ़ाई के लिए उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और खुद खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। राजेश तो 22 साल का हो गया था। फिर क्या था, राजेश दिल्ली चला गया और वहां खूब पढ़ाई की। वो घंटों लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता रहता। फिर एक दिन जब एग्जाम का टाइम आया, जाते जाते किसी गाड़ी वाले ने उसे ठोक दिया। राजेश जमीन पर गिर गया। उसके सिर और बाएं हाथ को चोट आई। अब वो सोचने लगा, मेरे बाएं हाथ में चोट लग गई है और सिर से खून भी बह रहा है। इस हालत में अस्पताल जाऊं या एग्जाम देने? अगर अस्पताल गया तो मेरा ये पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और मेरे लिए मुमकिन नहीं है ये। फिर दिल्ली में रहने का मेरा खर्चा भी कौन उठाएगा? मेरे सिर्फ बाएं हाथ पर चोट लगी है, पर दायां हाथ तो अभी अच्छा है। मैं इस हाथ से एग्जाम दूंगा। और फिर राजेश वहां से सीधा परीक्षा केंद्र गया और परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद राजेश अस्पताल में भर्ती हुआ और इलाज करवाया। राजेश ने अस्पताल में भी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू अटेंड किया। फिर कुछ दिन के लिए राजेश माँ के पास गांव वापस चला गया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट के दिन माँ ने अखबार खरीद कर लाया और राजेश को परिणाम देखने को कहा। राजेश ने रिजल्ट देखा तो उसने जोर से चीख निकाली, माँ, मैं पास हो गया, तुम्हारा बेटा अफसर बन गया, मैं कलेक्टर बन गया हूँ माँ। ये सुनते ही माँ की आंखों से आंसू आ गए और वो दोनों रोने लगे। तो दोस्तों, क्या समझे इस कहानी से? कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसे या मजाक उड़ाए, लेकिन हमेशा अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। कामयाबी जरूर मिलती है। एक बार की बात है, काशीपुर नाम के एक गांव में जगन नाम का एक भिखारी अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। गौरी की माँ का गांव में फैली महामारी के कारण देहांत हो गया था और जगन को ठीक से दिखाई नहीं देता। इसी वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता और मजबूरन उसे पेट पालने के लिए अपनी बेटी गौरी के साथ भीख मांगना पड़ता। लेकिन गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था, वो पढ़ना लिखना चाहती थी। जब भी गौरी पिता के संग गांव के सेठानी के घर भीख मांगने पहुंचती तो वहां उनके बेटे राजू को पढ़ते लिखते देख उसे खुद के लिए बहुत बुरा लगता और ये देख सेठानी ताने देते हुए कहती, हरिया, देख दरवाजे पे फिर से वही भिखारी होगा, कुछ भीख देकर उसे भगा जल्दी से। गांव में एक भी अस्पताल नहीं है और अगर इन मनहूसों की महामारी मेरे बेटे राजू को लग गई तो मैं क्या करूंगी? ये सुन दोनों दुखी होकर वहां से चले गए। तब गौरी ने कहा, पिताजी, सारा गांव हमसे दूर क्यों भागता है? क्या हम बुरे लोग हैं? तो पिताजी ने कहा, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और इनकी सोच में है। पिताजी, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आँखों का इलाज करूंगी। मैं इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। बेटी, हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी जुटाना ही बड़ा कठिन है। ये सब तो बड़े लोगों के सपने हैं। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता।
तभी एक औरत ने गौरी को पास बुलाया और कहा, अरे ओ गौरी, अगर तुम हमारा टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ रुपए भीख दूंगी। गौरी ने उनकी बात मानी और उनका टॉयलेट साफ कर दिया, लेकिन गौरी को ये बात बहुत ही बुरी लगी। तभी गौरी ने ये फैसला कर लिया कि वो डॉक्टर बनेगी। गौरी ने अपने पिता को मंदिर के बाहर रहीम चाचा के पास बिठा दिया और वो खुद कई दिनों तक खिलौने गांव में बेचकर पैसे कमाने लगी। और फिर एक दिन गांव के शिक्षिका रेनु दीदी से मिलकर वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगी। अब गौरी रोज स्कूल से आने के बाद खिलौने बेचती और पैसे कमाती और अपने पिता की देखभाल करती। गौरी रात रात भर जग कर पढ़ाई किया करती और हमेशा अच्छे अंकों से पास होती। गौरी की हिम्मत और सफलता देख सेठानी और अन्य गांव के लोग सभी हैरान थे और वो जगन और गौरी से जलने भी लगे थे। पता नहीं ये भिकारन पढ़ लिख कर कौन सा डॉक्टर कलेक्टर बन जाएगी, मैं अभी देखती हूँ। गौरी हर साल अच्छे अंकों से पास होती और शिक्षिका रेनू भी गौरी की पढ़ाई में खूब मदद करती। धीरे धीरे समय गुजरता गया और गौरी बड़ी होती गई। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए कॉलेज में दाखिले के लिए इम्तिहान दिया और इम्तिहान में टॉप भी किया। ये खबर सुनकर गौरी के पिता और शिक्षिका रेनू दोनों बहुत खुश हुए। पिताजी, डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए मुझे स्कॉलरशिप भी मिला है। लेकिन अब गौरी को अपने पिता को छोड़कर डॉक्टर की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। वो उदास हो गई। तब रेनू ने कहा, गौरी तू फिक्र मत कर, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी, तू बस शहर जा और जल्दी ही डॉक्टर बनकर आना। गौरी पढ़ाई के लिए शहर चली गई। गुजरते समय के साथ वो अपने सपने की तरफ तेजी से कामयाबी के साथ बढ़ रही थी। कई दिनों तक उसकी कोई खोज खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में दोबारा महामारी की बीमारी तेजी से फैल गई और रेनू के पिता सहित सेठानी और उसका बेटा राजू सभी बहुत बीमार हो गए और नगर के एक छोटे से सरकारी अस्पताल में पड़े रहे। पर कई दिनों से कोई डॉक्टर नहीं आया। सब बहुत दुखी और उदास भगवान से जिंदगी की प्रार्थना करने लगे। तभी एक नर्स ने सभी को खबर दी, अब तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, आज सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर साहिबा आपका इलाज करने आने वाली हैं। ये खबर सुन गांव वाले बहुत खुश हो गए। तभी हॉस्पिटल के सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर उतरी। नगर सरपंच ने उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जब वो अस्पताल के अंदर आई तो उसे देख सभी हैरान रह गए, क्योंकि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही भिकारन लड़की गौरी थी। गौरी ने अपने पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर उसने सभी गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। गौरी के इलाज से ही कुछ दिनों में सभी ठीक हो गए। गौरी ने अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन करवाकर उनकी रोशनी भी वापस लाई। गौरी की मेहनत, लगन और सफलता की वजह से एक बार फिर सारा गांव महामारी से पूरी तरह मुक्त हो गया और सेठानी सहित बाकी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो सभी गौरी को फूल मालाओं का हार पहनाकर उसके नाम का जय जयकार करने लगे और ये देख गौरी के पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर गौरी की तरह मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से किसी काम को किया जाए तो उसमें हमें कामयाबी जरूर मिलती है। एक गांव में विमला नाम की एक गरीब औरत अपने बेटे रोशन और बहू गौरी के साथ रहती थी। विमला के पति का देहांत हो गया था, जिससे सारी जिम्मेदारी उसके बेटे रोशन पर आ गई थी। लेकिन गांव में रोशन को कोई काम न मिलने के कारण गरीबी और बेरोजगारी से उसकी मुसीबतें बढ़ती चली गईं। विमला की बहू गौरी बहुत ही स्वार्थी और लालची स्वभाव की थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, अजी सुनिए, अब यहाँ कुछ नहीं रखा है, हमें शहर चले जाना चाहिए, तभी हमारे हालात सुधर पाएंगे, वरना हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। तब रोशन बोला, पर माँ तो यहाँ अकेली कैसे? तो गौरी बोली, ओहो, आप माँ की चिंता मत कीजिए, जब आपको नौकरी मिल जाएगी तब हम माँ को पैसे भेज दिया करेंगे। रोशन अपनी माँ को अकेला छोड़ पत्नी गौरी के साथ शहर चला गया। कई महीने बीत जाने के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं आई। बेटे और बहू के शहर चले जाने के बाद विमला पेट पालने के लिए दर दर भटकने लगी और भीख मांगकर अपना गुजारा करने को मजबूर हो गई। वो हमेशा अपने बेटे का लौट कर आने का इंतजार करती, पर उनकी न तो कोई खबर आई और न ही उनकी तरफ से कोई पैसा। विमला मंदिरों और रेलवे स्टेशन में भीख मांगने लगी, पर उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते।
और कई दिन उसे भूखा ही सोना पड़ता। विमला की आवाज बहुत ही सुरीली थी और उसे गाने का शौक भी था, इसलिए उसने गाना गाकर भीख मांगना शुरू कर दिया, जिससे बाद में धीरे धीरे लोग विमला का गाना सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। विमला के गाने से लोगों का अच्छा मनोरंजन होता और विमला को भीख में थोड़े अच्छे पैसे मिल जाते थे। अब विमला रेलवे स्टेशन पर ही गाना गाती और उसे दो वक्त खाने को भी मिल जाता। एक दिन विमला रेलवे स्टेशन पर बैठे गाना गा रही थी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तभी वहां एक सज्जन व्यक्ति जिसका नाम था आलोक, वो विमला के पास आया। और आलोक एक फिल्म डायरेक्टर था। वो विमला को इतने सुरीली आवाज में गाते हुए सुनकर हैरान रह गया। वो विमला के पास आकर बोला, माँ जी, मैंने आपका गाना सुना है, आप बहुत ही सुरीली गाती हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी नई फिल्म में गाना गाए, मुझे आपकी ही तरह एक नए आवाज की तलाश थी। ये सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ गए। आलोक विमला को अपने साथ मुंबई शहर ले गया और विमला से अपने फिल्म में गाना भी गवाया, और इसके बदले विमला को खूब सारे पैसे मिले। देखते ही देखते विमला का गाया हुआ गाना हर जगह खूब सुनने में आया और पसंद भी किया जाने लगा। वो हर जगह खूब मशहूर हो गई। अब विमला की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो एक भिखारन से मशहूर गायिका बन गई थी। उसे टीवी न्यूज़पेपर में हर जगह दिखाया जाने लगा। एक दिन जब गौरी ने अपनी सास विमला को टीवी पर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसके मन में पैसे का लालच जाग उठा। उसने तुरंत ही अपने पति रोशन को ये बात बताई और बोली, अजी ये देखिए माँ जी टीवी पर, अब वो काफी मशहूर और अमीर बन चुकी हैं। कितने साल बीत गए हम माँ जी से नहीं मिले, अब हमें उनके पास चलना चाहिए, आखिर हमारे सिवा उनका है ही कौन। तब रोशन ने कहा, हाँ तुम ठीक ही कहती हो। रोशन और गौरी दोनों विमला के पास पहुंचे, जहां वो एक बड़े बंगले में रहती थी। सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को अंदर जाने से रोका। तब विमला ने अपने बेटे की आवाज सुनी और वो फौरन बाहर आई, और अपने बेटे को देख विमला की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने फौरन अपने बेटे को गले से लगा लिया और रोती हुई बोली, मेरा बेटा, आज याद आई तुझे अपनी माँ की, मैंने तुझे कितना तलाश किया। अपनी माँ की ऐसी ममता और प्रेम को देखकर रोशन और गौरी दोनों को अपनी गलती का पछतावा हुआ और दोनों ने माफी मांगी। और माँ के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है, इसलिए विमला ने दोनों को माफ कर उन्हें गले से लगा लिया। तो बच्चों, माँ की खुशी से बढ़कर दुनिया में और कुछ भी नहीं, इसलिए हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने माँ बाप को कभी अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए।